हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे एयरफोर्स और नेवी एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स के टॉपिक मापन और मात्रक पर, मेजरमेंट्स एंड यूनिट्स। सबसे ज्यादा सवाल अगर किसी भी चैप्टर से आते हैं तो यही चैप्टर है, मापन और मात्रक। तो इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स में जो पूछे गए हुए हैं या अलग अलग तरीके के जो भी एग्जाम्स होते हैं, कंडक्ट होते रहते हैं, उनमें इस पर्टिकुलर चैप्टर से जो भी सवाल पूछे गए उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लाइक की बटन दबा देना और चलिए शुरुआत करते आज इस मापन तथा मात्रक टॉपिक के पहले क्वेश्चन से। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, और पहला क्वेश्चन है गतिशील क्षमता की एसआई इकाई क्या है। तो डी स्टूडेंट्स, जो एसआई इकाई होती है इसका पता है आपको, ये पास्कल सेकेंड होती है। इसी पास्कल सेकेंड को आपका हम लोग न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे बोला जाए कि इसकी एसआई यूनिट क्या है तो आप जवाब दोगे पास्कल सेकेंड, और अगर आपका सीजीएस यूनिट पूछी जाए तो सीजीएस यूनिट, ध्यान रखिएगा सीजीएस यूनिट इसकी है कौन सी, पाइज। तो सीजीएस यूनिट है पाइज, जबकि जो एसआई यूनिट है वो है पास्कल सेकेंड या न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल आपका ये रहा, यूनिट दी हुई डिस्टेंस की और इनकी वैल्यूज हैं, आपको ये मैच करना है, मिलाना है। नैनोमीटर है, माइक्रोमीटर है, एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर है। तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, नैनो जहां पर 10^9, तो नैनोमीटर यानी 10^9 कितना हो गया, 9। माइक्रोमीटर की अगर बात की जाए तो माइक्रोमीटर होता है 10^-6। एंगस्ट्रॉम की बात करें तो आपको पता है एंगस्ट्रॉम होना चाहिए 10^-10। और पिकोमीटर की बात की जाए तो पिकोमीटर की 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10^-12। उसके अलावा और भी तमाम यूनिट्स पूछे जाते रहते हैं, जैसे डेसीमीटर पूछा जाएगा तो डेसीमीटर में आपको ध्यान रखना कितना होता है, 10^-1, राइट। अगर आपसे मिलीमीटर की बात करता है तो मिलीमीटर होता है 10^-3 मीटर। अगर आपसे ये ना पूछ के पूछा जाए जेप्टोमीटर, तो जेप्टोमीटर का ध्यान रखिएगा, जेप्टोमीटर होता है 10^-21। और भी एक आधा मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूं, यक्टोमीटर अगर पूछा जाए, यक्टोमीटर तो डियर स्टूडेंट्स यक्टोमीटर में होता है 10^-24 मीटर। और भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, और वो है आपका क्या, वो है फेम्टोमीटर। अगर बात आए फेम्टोमीटर की तो फेम्टोमीटर में होते हैं 10^-15 मीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर यहां पर आपका जवाब मैच करोगे तो ए के साथ आपका क्या आना चाहिए, 3, और बी के साथ क्या आना चाहिए, 1। तो जवाब आपका बी और डी में आगे बढ़ेंगे, और आप चेक करोगे कि जवाब आपका सी के साथ क्या आना चाहिए, सी के साथ 4, तो जवाब आपका बी करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो ये स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए डेसीमीटर, मिलीमीटर, जेप्टोमीटर, एक्टोमीटर और फेम्टोमीटर। और अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। तीसरा सवाल ये रहा मापन और मात्रक से। अगर प्रतिरोध का विमीय सूत्र ML^2, A^-2, T^-3 है, और यदि ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है तो विद्युतीय प्रवाह ले जाने वाले एक तार में उत्पादित ऊष्मा जो कि प्रतिरोध R और समय T और विद्युत धारा I पर निर्भर करती है, इसका विमीय विश्लेषण का उपयोग करते हुए बताना है क्या होगा। तो आपको बेटा ये पता है इनमें रिलेशनशिप क्या होगा H का I, R और T के साथ। अगर हम लोग ये मान लें कि H इक्वल टू I, R, T, अब पावर क्या होगी, इनकी पावर को हम लोग लेट कर लेते हैं कि I की पावर होगी A, R की पावर कितना होगी B और T की पावर कितना होगा C। आपको रिलेशनशिप यही बताना ना आपका, राइट। डायमेंशनल फॉर्मूला रेजिस्टेंस का आपको दिया हुआ, और हीट आपको बताना, हीट क्या फॉर्म है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, देन आपको बताना है कि इसका क्या संबंध होगा। तो अब बात करते हैं यहां पर अगर विमाएं लिखी जाए तो विमा आपका यहां पर क्या हो जाएगी, इसकी विमा एम L^2 आपको जो दे रखा हुआ है, एम L^2 और T^-2, राइट, आपने इसकी विमा लिख ली। और इधर अगर विमा लिखी जाए तो इधर विमा हम लोग लिखते हैं, चलिए, और पहले आई, आई यानी इसकी क्या होगा, ए
ए की पावर हमने ले लिया ए। आगे बात करते हैं ये आर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का आपको दे रखा हुआ है एम एल की पावर टू, एम एल की पावर टू, ए की पावर कितना हो जाएगा माइनस टू और टी की पावर कितना थ्री, राइट। और बात बचती है अब किसकी, सिर्फ बात बचती है आर की, और यहां पर हम होल टू दी पावर कितना लगाएंगे बी, राइट। और आगे बात बचती है सिर्फ और सिर्फ किसकी, टी की, तो टी डायमेंशन इसका टी और इसकी पावर कितना सी। अगर आप कंपेयर करेंगे, अब यहां पर तुलना करते हैं, तो तुलना करने के लिए आपको पहले देखना पड़ेगा कि एम यहां पर एम की जो लेफ्ट में आपका पावर है वो क्या है और राइट में क्या है। एम एल की पावर टू, टी की पावर माइनस टू, ये लेफ्ट में है, और राइट में अगर हम बात करें तो एम की पावर यहां पर आपको सिर्फ कितना मिल रही है बी, तो ये हो गया एम की पावर कितना बी, राइट। आगे बात करते हैं एल की पावर कितना होगा, तो यहां एल की पावर आपका ये टू बी हो जाएगा, एल की पावर टू बी के साथ साथ टी की पावर की अगर बात करें तो टी की पावर हो जाएगा आपका माइनस थ्री बी, टी की पावर माइनस थ्री बी, और इधर से कितना होगा यहां से प्लस का सी हो जाएगा इस जगह से, तो माइनस थ्री बी प्लस सी। और अगर ए की पावर की बात करें तो ए की पावर, डियर स्टूडेंट्स यहां से ए की पावर कितना था ए था, तो ए की पावर ए, और यहां से ए की पावर कितना हो जाएगा माइनस टू बी, तो ए की पावर ए माइनस टू बी। अब जब कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पर क्या निकल आएगा, यहां देखेंगे बी, बी यहां पर कितना है वन है, तो बी की वैल्यू कितनी आ चुकी है वन। ऐसे ही जब आपका यहां बात करेंगे माइनस थ्री बी प्लस सी, माइनस थ्री बी प्लस सी, ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस टू के बराबर, तो इसका मतलब आपका यहां पर से माइनस थ्री बी प्लस सी बराबर माइनस टू के, तो यहां पर सी की वैल्यू निकाल लेंगे, सी की वैल्यू कितना निकल आएगी वन निकल आएगी। अब ए की वैल्यू जब निकालेंगे तो ए की वैल्यू कितनी निकालेगा, ए की वैल्यू ए माइनस टू बी बराबर जीरो हो जाएगा, ए माइनस टू बी बराबर जीरो, यहां कोई है नहीं, तो इसका मतलब आपका ए की वैल्यू जो निकलेगी, बी अगर वैल्यू रख दोगे वन, तो ए की वैल्यू निकल आएगी कितना टू। और इसको जब आपका यहां फॉर्मूले में रख देंगे तो अब आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एच बराबर आई की पावर ए, ए का मतलब टू, तो यानी एच बराबर आई स्क्वायर आर टी आपका सही जवाब होना चाहिए, राइट। तो विमाएं आपने कंपेयर करके इसका जवाब निकाला। अगले सवाल पर मूव करते हैं, अगला सवाल आपका ये रहा, वर्नियर कैलिपर्स में मुख्य पैमाने के एक विभाजन का मान 1 एमएम है और वर्नियर पैमाने पर 20 बराबर विभाजन है, तो इस पैमाने का अल्पतांक आपको बताना है क्या होगा। अल्पतांक यानी जिसको कि हम लोग आपका कहते हैं लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, मुख्य पैमाने पर जो सबसे छोटा खाना है उसकी वैल्यू अपान वर्नियर पैमाने पर कुल संख्या, तो लीस्ट जो आपका यहां पर सबसे छोटा खाना उसकी वैल्यू कितनी है वन, और वर्नियर पैमाने पर आपका कुल संख्या कितनी है आपका वो है बीस, तो इसका मतलब आपका जवाब होना चाहिए 1/20 mm, और 1/20 mm को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.05 mm। तो अल्पतांक या जिसको आप लीस्ट काउंट कहते हैं, ये किसी भी मापन यंत्र द्वारा जितनी अधिकतम शुद्धता से मापन किया जा सकता है उसे किसी भी यंत्र का अल्पतमांक कहते हैं। अल्पतमांक यानी जितनी अधिकतम शुद्धता से मापन किया जा सके। अगले सवाल पर मूव करते हैं, अगला सवाल पांचवा ये रहा, ये आपके कुछ मापन यंत्र हैं और वो क्या नापते हैं आपको मैच करना है। तो आपको पता है यहां पर डियर स्टूडेंट्स वर्नियर कैलिपर्स क्या नापता है, वर्नियर कैलिपर्स के अलावा पुनरावर्तन की डिग्री क्या नापता है, साइन बार और स्क्रू गेज, इनके क्या क्या उपयोग है। तो वर्नियर कैलिपर्स एक मापन यंत्र है जिसका उपयोग जटिल एवं शुद्ध मापन के लिए किया जाता है। वर्नियर कैलिपर्स द्वारा गोलाकार बेलनाकार पिंड के व्यास निकाले जा सकते हैं, आयताकार टुकड़े की लंबाई ज्ञात की जा सकती, चौड़ाई ऊंचाई भी ज्ञात की जा सकती, बीकर का हम लोग आंतरिक व्यास निकाल सकते हैं, गहराई निकाल सकते हैं। तो इसका अर्थ ये हो गया आपका कि वर्नियर कैलिपर्स से हम लोग किसी भी चीज का क्या निकाल सकते हैं, व्यास यानी डायामीटर। आगे बात करते हैं पुनरावर्तन की डिग्री, डिग्री ऑफ रिपीटिटिवनेस, इसके जरिए आपका हम सटीक और शुद्ध मापन प्राप्त करते हैं, तो यानी इसका मैच होना चाहिए किसके साथ, परिशुद्धता के साथ। तो
इसके जरिए आपका बिल्कुल सटीक आपका मापन हम लोग याद करते हैं। साइन बार का उपयोग हम लोग गेज ब्लॉकों में करते हैं, साइन नियम द्वारा हम लोग कोण की बात करते हैं नापते हैं, तो इसका मतलब ये एंगल के साथ मैच होना चाहिए। और स्क्रू गेज का उपयोग हम लोग सूक्ष्म कोण उनके विस्तारों को मापने के लिए खासतौर पर इंजीनियरों के द्वारा और यांत्रिक विज्ञानियों के द्वारा, मैकेनिकल इंजीनियर्स के द्वारा किया जाता है। तो स्क्रू गेज को आपका हम लोग यहां पर किसके जरिए आपका कहां पर मैच करेंगे, वो आपका हो जाएगा फर्स्ट वन। तो यहां पर जवाब आपका मैच हो चुका है, आपका जवाब निकल आएगा ए, जिसके हिसाब से आपका हमने यहां पर इनको आपस में मैच किया। अगले सवाल पर मूव करते हैं। अगला सवाल छठा ये रहा, इन भौतिक राशियों के विमीय सूत्रों को आपको मिलाना है। तो आप सबको पता होना चाहिए डिस्टूडेंट, बहुत ही बेसिक्स है। यहां पर बल का सबको पता है, बल का क्या होता है, एम एल टी की पावर माइनस टू सामने बिल्कुल रखा हुआ है, ठीक है, सही है। आगे बात करते हैं इसका घनत्व का, तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है ना, घनत्व यानी डेंसिटी बराबर आपका मास अपॉन वॉल्यूम, और मास का एम हो जाएगा, वॉल्यूम का एल क्यू, यानी एम अपॉन एल की पावर माइनस थ्री, तो इसका इससे मैच कर दीजिए। उसके बाद तरंग दैर्ध्य क्या होता है, लंबाई ही होता है ना वेवलेंथ, और इसका लंबाई का क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम, तो मास यानी एम और वेलोसिटी यानी एल टी की पावर माइनस वन, तो ये हो जाएगा एम एल टी की पावर माइनस वन। और यहां पर अगर आपका मैच करेंगे तो सही जवाब आपका क्या आना चाहिए, सी, क्योंकि ए के साथ क्या आना चाहिए थ्री, बी के साथ क्या आना चाहिए टू, और ये चीज किस में मिल रही है, मैं सिर्फ सी ऑप्शन में मिल रही है। तो जब भी कभी ऐसे सवाल आए तो अगर आपको सभी नहीं पता तो एक या दो जो भी पता है आप उनको पहले मैच करिए, रेस्ट आपको आपका मिल जाएंगे। अगला सवाल आपके सामने ये रहा सातवां, इनमें से कौन सा विकल्प क्लास सेकेंड लीवर उत्तोलक का उदाहरण है। तो उत्तोलक यानी लीवर एक ऐसी छड़ जो कि किसी स्थिर बिंदु के परिता स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है, एक सरल मशीन है जिसका हम लोग दैनिक जीवन में उपयोग करते रहते हैं। जनरली तीन प्रकार के उत्तोलक यानी लीवर होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास। कैंची है, बोझ उठाने की आपका मुड़ी छड़ है, कील उखाड़ने का हथौड़ा है, प्लास है, बच्चों के झूलने का तख्ता जिसको सीसा आप कहते हो, नेल कटर है, ये सारे फर्स्ट क्लास के होते हैं। सेकेंड क्लास में बेटा नींबू निचोड़ने की मशीन, सुपारी काटने का सरौता, कूड़ा ढोने वाली एक पहिए वाली जो गाड़ी आती है, ये सारे सेकेंड क्लास के हैं। और तीसरे क्लास में आपका हल है, चिमटा है, सीढ़ी आती है। तो यहां पर जवाब आपको क्लियर हो चुका है, जवाब आपका कि जो व्हील बैरो होता है वो व्हील बैरो आपका कौन सा टाइप का होगा, सेकेंड क्लास का एग्जाम्पल होगा। अगले सवाल पर मूव करते हैं। अगला सवाल आपका आठवां ये रहा, दाब का एसआई यूनिट क्या होगा। दाब यानी प्रेशर, और प्रेशर बराबर आपको पता है क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया। और अब अगर आपको इसका एसआई यूनिट चाहिए तो एसआई यूनिट आपको पता है बल का न्यूटन और क्षेत्रफल का न्यूटन स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये आपका हो गया इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर हम बात करें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पास्कल। तो पास्कल जिसको कि हम आपका पीए से आपका रिप्रेजेंट करते हैं, एक अदिश राशि है, और एक पास्कल बराबर आपका होता है 10^5 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एक पास्कल बराबर होता है 10^5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगले सवाल पर मूव करते हैं। अगला सवाल आपका नवा ये रहा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा यानी करंट, धारा यानी करंट क्या होता है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को ही धारा कहते हैं। तो धारा यानी आई, अगर हम बात करें तो ये बराबर हो जाएगा आवेश यानी क्यू अपॉन समय यानी टी। तो ये अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट आपका इसका क्या होगा, एम्पियर होगा, तो जवाब यहां पर डी हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करें कौन किसकी आपका यूनिट होती है, तो वॉट आपका ये शक्ति यानी पावर का होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कैंडला की, तो कैंडला यानी दीप तीव्रता का आपका मात्रक होता है, जबकि विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। तो आपको बाकी के भी मैंने सारे यहां पर बता दिए हुए। अगले सवाल पर मूव करते हैं। अगला सवाल ए रहा, वह कौन सी भौतिक मात्रा है जिसकी विमा एम एल की पावर टू और टी की पावर माइनस थ्री होगी। तो यहां पर आपको सबकी विमाएं ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आप बल की विमा अभी पीछे पढ़ी चुके हैं, बल की विमा आपको पता है क्या होती है, एम एल की पावर एम एल टी की पावर माइनस टू। तो भाई ये तो होने से रही ना,
एम एल टी की पावर माइनस टू, तो यानी आपका ये जवाब तो होने से रहा ना। अब बात करते हैं प्रेशर की, प्रेशर की भी अभी आपको बता चुका हूं, प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, बल्कि आपने अभी पति पढ़ा हुआ है, प्रेशर पी बराबर क्या होता है एफ अपॉन ए, फोर्स की विमा आपके सामने ऊपर लिखी हुई है और ए यानी एरिया की विमा एल की पावर टू हो जाएगी, तो यहां पर आपका ये बन जाएगा एम एल की पावर माइनस वन, एम एल की पावर माइनस वन और टी की पावर माइनस टू, तो ये भी आपका जवाब नहीं मैच करा अभी फिलहाल। आगे संवेग की बात करते हैं, मोमेंटम की बात करते हैं, तो मोमेंटम बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास यानी एम, वेलोसिटी यानी एल टी की पावर माइनस वन, तो ये हो जाएगा आपका एम एल टी की पावर माइनस वन। अब एक ही ऑप्शन बचता है दैट इज वर्क, और वर्क क्या होता है, कार्य क्या होता है, वर्क बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन राइट, एफ इन टू डी, और बल क्या होता है, बल बराबर आपको पता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है राइट, तो एफ बराबर आपको पता क्या होता है एम ए और इनटू क्या हो जाएगा डी। अब सबकी विमाएं अगर यहां पर रख देंगे तो एम की विमा आपका द्रव्यमान की विमा और त्वरण की विमा अगर रखेंगे तो आपको बल की विमा पता है आपका एम एल टी की पावर माइनस टू और इसकी विमा क्या हो जाएगी एल, तो ये एम एल टी की पावर माइनस टू और ये आपका इनटू एल, तो अब आपको निकल आया एम एल की पावर टू हो जाएगा टी की पावर माइनस टू, तो वर्क की विमा आपका हो जाएगी एम एल की पावर टू टी की पावर माइनस टू। तो आपको सारी जितने भी आपका यहां पर भौतिक राशियां दी हुई हैं सबके मात्रक आपको पता चल गए, सबकी विमाएं पता चल गई। अगले सवाल पर मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये आपका 11वां सवाल, और 11वां सवाल है न्यूटन किसकी इकाई है, तो बहुत ही आसान से सवाल है, बल आपको पता है बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन होता है, तो सीधा जवाब आपके सामने आ चुका है बल यानी फोर्स और इसका मात्रक होता है न्यूटन। इसके अलावा अगर हम बात करें स्पीड यानी चाल, चाल का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, अगर हम बात करें वॉल्यूम का मात्रक तो इसका मात्रक मीटर क्यूब होता है, और एरिया की बात करें तो एरिया का मात्रक होता है डियर स्टूडेंट्स कौन सा, मीटर स्क्वायर। तो सारे आपको यहां पर मात्रक पता चल चुके हैं। आगे अगले सवाल पर बात करते हैं, और अगला सवाल आपका आपके सामने ये रहा 12वां सवाल, कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या है, कार्य और ऊर्जा, कार्य ही ऊर्जा, ऊर्जा ही कार्य है, और दोनों का मात्रक आपको पता है क्या होता है, जूल होता है, तो सिंपल टर्म्स में कार्य हो या ऊर्जा हो दोनों का मात्रक जूल होता है, जबकि एम्पियर करंट यानी धारा का मात्रक होता है, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक होता है और मीटर किसका मात्रक होता है, दूरी का। तो अगले सवाल पर मूव करते हैं, अगला सवाल आपके सामने 13वां ये रहा, बार किसकी इकाई है, बहुत पूछा जाने वाला सवाल है, आपको ऑलरेडी पहले बता चुका बार वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है प्रेशर, और आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो एक बार होता है आपका एक वायुमंडलीय दाब ये 10^5 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, तो वन बार इक्वल टू 10^5 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और वायुमंडलीय दाब को डियर स्टूडेंट्स बैरोमीटर के द्वारा नापा जाता है, तो यहां पर ऑलरेडी जवाब आपको आ चुका है बार किसकी इकाई है आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर की, एंड वन बार इक्वल टू 10^5 न्यूटन मीटर स्क्वायर राइट। आगे बात करते हैं अगला सवाल 14वां ये रहा, इनमें से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है, चार भौतिक राशियां दे रखी हुई इनमें या तो तीन सदिश होंगी एक अदिश या इसका उल्टा, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सदिश राशियां और कौन सी आपका यहां पर अदिश राशि है, तो यहां पर अगर हम बात करें बल की तो बल आपको पता है बल कैसी राशि है, बल एक सदिश राशि है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है बल यानी वेक्टर क्वांटिटी यानी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, और बाकी सारी जितनी भी आपका यहां पर दे रखी गई है ये सारी स्केलर क्वांटिटी है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, काइनेटिक एनर्जी ये भी स्केलर क्वांटिटी है, और पोटेंशियल एनर्जी ये भी आपका स्केलर क्वांटिटी है, तो तीन आपका अदिश राशियां है जबकि एक आपका क्या है सदिश, इसी वजह से जो भिन्न है आपका वो कौन है यहां पर फोर्स यानी बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी स्थान की आर्द्रता अगर आपको जाननी तो किसका उपयोग करेंगे, आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी को नापने के लिए आप यूज करते हो हाइग्रोमीटर का, तो जवाब यहां पर निकल आया हाइग्रोमीटर, बाकी की भी बात कर लें अगर पाइरोमीटर की तो पाइरोमीटर आपका बहुत ऊंचा तापमान नापने के लिए यूज होता है, करीब 1500 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ऊपर के तापमान को नापने के लिए पाइरोमीटर की यूज करते हैं, पेरिस्कोप जो होता है ये समुद्र में आपका जो भी चीजें छुपी हुई होती है समुद्र के नीचे उनको आपका
देखने में, उनको भी आपका छुपी हुई वस्तुओं को देखने में काम आता है। और हाइड्रोमीटर का प्रयोग हम लोग आपका जब तरल पदार्थ होते हैं लिक्विड आपका, उनके सापेक्षिक घनत्व को, रिलेटिव डेंसिटी को नापने के लिए यूज किया जाता है। तो मूव करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। समुद्र की गहराई को नापने के लिए कौन सा उपकरण यूज किया जाता है, विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशन। तो समुद्र की गहराई को नापने के लिए डियर स्टूडेंट्स जो हम लोग यूज करते हैं वो फैदोमीटर होता है। फैदोमीटर के अलावा अगर बाकी को आपका एक्सप्लेन कर दूं तो यूडियोमीटर आपका ये ठोस की मात्रा यानी सॉलिड की मात्रा को बताने के लिए, क्वांटिटी ऑफ सॉलिड इसको बताने के लिए यूडियोमीटर का यूज करते हैं। बैरोमीटर आपको ऑलरेडी पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय आपको नापने के लिए यूज करते हैं। और पेरिस्कोप अभी आपको पीछे बता चुका हूं समुद्र में छुपी हुई वस्तुओं को देखने के काम आता है। अगले सवाल पर मूव करते हैं। अगला सवाल आपका नदी के प्रवाह को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो बेटा नदी का जो प्रवाह है इसके पानी को आपका जब हम नापते हैं तो क्यूसेक मीटर में नापते हैं, कितना पानी कहां छोड़ा गया ये क्यूसेक मीटर में नापा जाता है। जबकि बाकी की अगर बात करें ब्यूफोर्ट स्केल, ये ब्यूफोर्ट स्केल समुद्र में जो हवा की गति होती है उसको नापने में यूज होता है। अगर रिएक्टर स्केल की बात करें तो ये भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए यूज होता है। और एनीमोमीटर की बात करें तो जो पृथ्वी तल पर हमारे अर्थ सरफेस पर हवा की गति है, एयर की जो स्पीड है उसको नापने के लिए हम लोग एनीमोमीटर का यूज करते हैं। तो आपको मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 18वां, वो है दूध की अगर आपको घनता नापनी है यानी अगर आपको डेंसिटी नापनी है दूध की तो कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे। तो आपको पता है दूध की घनता को नापने के लिए, डेंसिटी को नापने के लिए लैक्टोमीटर का यूज करते हैं। इससे दूध की शुद्धता, दूध का सापेक्षिक घनत्व नापा जा सकता है। हाइड्रोमीटर द्रवों का अपेक्षित घनत्व नापने के लिए, रिलेटिव डेंसिटी नापने के लिए हम लोग लिक्विड्स का यूज करते हैं हाइड्रोमीटर। बैरोमीटर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, और हाइग्रोमीटर आपका वायुमंडलीय आर्द्रता को नापने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स आपके सामने ये रह रहा 19वां सवाल, रेडियो धर्मिता किससे नापी जाती है। बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ढेर सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। तो रेडियो धर्मिता को नापने के लिए आप गाइगर मूलर काउंटर का इस्तेमाल करते हो। गाइगर मूलर काउंटर ये जितने भी आपका आयनकारी विकिरण यानी आपका आयनकारी रेडिएशन होता है उसकी मात्रा को यानी रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मिता को नापता है। कैलोरीमीटर जबकि आपका इसका उपयोग जितनी भी रासायनिक आपका केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनमें ऊष्मा की मात्रा या ऊष्मा धारिता को नापने के लिए किया जाता है। पोलरीमीटर जो होता है इसका उपयोग जो पोलराइज्ड लाइट होती है ध्रुवित प्रकाश उसके द्वारा घूर्णन कोण को नापने के लिए किया जाता है। और बैरोमीटर आपको पता है वायुमंडलीय दाब के मापन के लिए किया जाता है। अगला सवाल आपके सामने डियर स्टूडेंट्स 20वां ये रहा, सुपरसोनिक स्पीड जो वायुयान होते हैं ना सुपरसोनिक स्पीड से उड़ते हैं उनकी आपका उनको नापने के लिए किसका यूज करते हैं। तो आपको पता है इसको नापने के लिए हम लोग मैक का इस्तेमाल करते हैं। तो सही जवाब क्या होगा मैक। आपको पता होना चाहिए कोई भी वस्तु अगर ध्वनि की गति से तेज गति से अगर चलती है उड़ती है तो उसको आपका हम सुपरसोनिक कहते हैं या पराध्वनिक गति कहते हैं। अगर हम बात करें हवा में 20 डिग्री का तापमान अगर हो शुष्क हवा हो तो उसमें यात्रा करने वाली वस्तुओं के लिए 343 मीटर पर सेकेंड यानी अगर हम सुपरसोनिक की बात करें तो 343 मीटर पर सेकेंड ये आपका लिमिट है। और अगर हम बात करें तो ये इसी को आपका हम लोग पराध्वनिक जो गति है इसी को मैप में नापते हैं। मैप जो संख्या होती है वो वस्तु की गति बटे ध्वनि की गति पर निर्भर करती है। ध्वनि की गति से अगर कोई चीज 5 गुना अधिक तेज होती है तो उसको हाइपरसोनिक कहते हैं। हाइपरसोनिक कौन सी चीजें होती है जो आपकी साउंड की स्पीड से 5 गुना तेज आपका ट्रेवल करती है। आगे बाकी आपको पता है भूकंप की तीव्रता को हम लोग रिएक्टर में नापते हैं, ध्वनि की आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी जो आपका होती है उसको हम लोग हर्ट्ज में नापते हैं। और समुद्र की जो आपका समुद्र में जो हम चाल समुद्र में अगर आपका कोई भी नाव या जहाज चलता तो उसकी जो चाल है स्पीड है उसको हम लोग नॉट में नापते हैं। तो बाकी भी आपको यहां पता चल चुके हैं डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको ध्यान से समझिएगा। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इनमें से कौन एक सेकेंड को एक घंटे का दशमलव भाग दिखाता है। तो बहुत आसान सवाल है, यहां पर अगर हम बात करें कि एक सेकेंड को ठीक है तो एक सेकेंड का एक घंटे का दशमलव भाग शायद
एक सवाल ये छूटा हुआ था, इसको देख लेते हैं। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है? तो चुंबकीय प्रेरण इसका जो एसआई मात्रक होता है वो टेस्ला होता है डी स्टूडेंट्स। और आपको यहां पर मैं बता दूं, जब किसी चालक को किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसके चालक के सिरों के बीच में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और उसी को हम लोग विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। चुंबकीय प्रेरण इसका मात्रक एसआई मात्रक टेस्ला होता है। बाकी अगर हम बात करें तो श्यानता का मात्रक पॉइज होता है, और ठीक है सीजीएस मात्रक आपका पॉइज होता है। लेंस की क्षमता को हम डायोप्टर में नापते हैं, और जो दीप तीव्रता होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी उसको आपका हम लोग कैंडला में नापते हैं। तो जो अगला सवाल है वो ये आप ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, एक सेकेंड एक घंटे का कितना दशमलव भाग है? तो भैया आपको पता है एक सेकेंड बराबर क्या होगा, एक ये आपका 60 हो गए मिनट, ठीक है, और 60 मिनट में आपका ये आपके हो गए 60 सेकेंड, राइट। ये एक घंटे में 60 मिनट और हर एक मिनट में 60 सेकेंड। अब यहां पर बात करेंगे 1/60 × 60, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपको अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू देगा वो देगा 0.00027, राइट। तो अगले सवाल पर मूव करते हैं, और अगला सवाल आपका ये रहा 24। इनमें से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है? तो भाई बात चाहे कार्य की हो, बात चाहे किसकी ऊष्मा की हो, या बात चाहे आपका ऊर्जा की हो, इन सभी का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। लेकिन बात अगर शक्ति की करेंगे, पावर की करेंगे, तो इसका मात्रक आपको पता है क्या होता है? वॉट होता है। तो जवाब आपको पता चल चुका है, ठीक है, किसका मात्रक जूल नहीं है, वो पावर का मात्रक जूल नहीं है। अगले सवाल पर मूव करते हैं डियर स्टूडेंट, और अगला सवाल आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक कौन सा है? अभी पीछे आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, शक्ति क्या होती, कार्य करने की दर को ही आपका शक्ति कहते हैं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इसे वॉट में नापते हैं या जूल पर सेकेंड में नापते हैं? तो वॉट कह लीजिए या जूल पर सेकेंड, राइट, इसमें हम लोग इसको मेजर करते हैं। उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, शक्ति के और भी तमाम मात्रक होते हैं, जिनमें किलो वॉट है, किलो वॉट घंटा है, मेगा वॉट है, अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर है। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो 1 kW बराबर आपका क्या होगा, आपको पता है 1000 W के हो जाएगा। उसके अलावा 1 MW बराबर क्या होता है, 1 MW बराबर 10^6 W के होता है। उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, एक हार्स पावर आपको पता होना चाहिए, एक अश्व शक्ति एक हार्स पावर बराबर 746 W के होता है। उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, आपको अगर 1 kWh की बात की जाए, 1 kWh, तो 1 kWh जो होता है वो 1 kWh बराबर होता है 3.6 × 10^6 J, 3.6 × 10^6 J, ये होता है 1 kWh, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है या किलोवाट घंटा, ठीक है। तो बाकी आपको पता है जूल पर सेकेंड, ये प्लांक नीतांक का मात्रक होता है। अगले सवाल पर मूव करते हैं, और अगला सवाल आपके सामने ये रहा, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है? तो जड़त्व आघूर्ण आपको पता है घूर्णन गति में वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह किसी अक्ष के सापेक्ष अपनी घूर्णन अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, उस अक्ष के सापेक्ष वस्तु का जड़त्व आघूर्ण यानी आई कहलाता है, इनर्शिया। जब भी कभी आप कोई चीज घूर्णन अवस्था में होती, रोटेशनरी मोशन में होती, तो जिसके कारण वह अपने एक्सिस के चारों ओर घूमने के परिवर्तन का, इस चेंज का विरोध करती है, उसी को हम लोग जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। और इसका जो मात्रक होता है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है, और इसकी विमा आपका ml की पावर -2 होती है। तो दोनों चीजें ध्यान रखना है, विमा यानी डायमेंशन आपका ml की पावर -2। उसके अलावा अगर हम जड़त्व आघूर्ण के फॉर्मूले की बात करें तो I यानी इनर्शिया बराबर आपका सिग्मा mr स्क्वायर, राइट, ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो यहां पर और भी अगर बात कर ले, न्यूटन सेकेंड ये आपका आवेग की इकाई होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें क्या किलोग्राम मीटर की पावर -5, ये आपका किसका होगा, ये
यानी मीटर पर सेकंड हो गया ना, मीटर पर सेकंड हो गया तो यानी वेग यानी वेलोसिटी का हो गया, और मीटर पर सेकंड ये आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले सवाल पर। ये किलोग्राम मीटर जो दिया हुआ, किलोग्राम मीटर स्क्वायर तो यहां पर अगले सवाल पर मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। और अगला सवाल वो ये रहा, एक लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है। कैलोरी आपको पता है ऊर्जा की इकाई होती है, और ऊर्जा पानी को जो हम लोग लीटर में नापते हैं। ठीक है, एक लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है, सवाल समझिएगा। कैलोरी ऊर्जा की इकाई होती है और पानी को हम लीटर में नापते हैं। लीटर में कैलोरी की कोई मात्रा नहीं होती, यानी एक लीटर पानी में आपका कोई कैलोरी नहीं होती, यानी कोई ऊर्जा नहीं होती है। बहुत ही अच्छा सवाल है। अगले सवाल पर बात करते हैं। एक हार्स पावर, आपको ऑलरेडी हम पीछे भी बता चुके हैं कि एक हार्स पावर वॉट में कितना होता है, 746 वॉट के होता है। अगले सवाल पर मूव करते हैं, और वो ये है वंडरवॉल्स इक्वेशन, पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। इनमें आपका इनके नीतांक ए और बी के विमीय सूत्र आपको बताना है, राइट। तो आपको ये इक्वेशन दे रखी गई, वो ये पी प्लस ए अपॉन वी होल स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। अगर यहीं से आपका आयतन की विमा की बात करेंगे, तो आयतन आपको पता है वैल्यूम, इसकी विमा एल की पावर थ्री होती है। तो आयतन आपको पता चल चुका, उसकी विमा एल की पावर थ्री। दाब यानी प्रेशर की विमा आपका आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, पी इक्वल टू एफ अपॉन ए होता है, तो प्रेशर की विमा आप निकाल सकते हो। तो इस तरीके से अगर आपका यहाँ वंडरवॉल्स इक्वेशन में हम बात करें, यहाँ पर अगर विमाओं को अगर हम रख लें, तो पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी ये दिया हुआ है, यानी ये आपका हो जाएगा ए की विमा इंटू आपका बी की विमा। तो आपको ए और ये बी की विमाएं निकालनी पड़ेंगी। तो यहां पर जो ए की विमा निकलेगी, वो ए की विमा कैसे निकलेगी, तो ए की विमा आपका यहां से निकालिए, आपका ए की विमा निकलेगी आपका यानी प्रेशर की एम एल टी पावर माइनस टू। तो ये आपका हो गया एम एल की पावर एम एल टी की पावर माइनस टू, और वी का यानी आपका हो जाएगा एल की पावर टू। अब यहां पर हम बात करेंगे तो इनटू हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यूम यानी एल क्यूब, और ये चूंकि स्क्वायर दिया हुआ है ना, वैल्यूम स्क्वायर, तो एरिया का हम आपका एल स्क्वायर रख चुके हैं। यहां पर ये एल की पावर थ्री, एल की पावर थ्री, और ये एल वी स्क्वायर दिया हुआ, तो ये पावर होल पावर कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। यहां से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर आपका देखो कितना निकलेगा, एम तो एम ही बना रहेगा और कुछ है नहीं। एल की पावर कितना हो जाएगा, ये एल की टोटल पावर यहाँ छः और एक सात, और ये दो जाके घट जाएगा, तो एल की पावर आ जाएगा कितना, पांच, और टी की पावर कितना आ जाएगा, टी की पावर माइनस टू। तो ये निकल आया आपका क्या, ए। तो ए हो गया एम एल की पावर फाइव टी की पावर माइनस टू। और अगर बी की विमा की बात करें, तो बी की विमा आपको ऑलरेडी पता है, बी यहाँ वैल्यूम दिया हुआ ना, तो वी इक्वल टू बी हो जाएगा, और बी की विमा आपको वैल्यूम की विमा यानी आपका क्या हो जाएगी, एल क्यूब। तो बड़े आराम से आपको ए और बी की विमाएं पता चल चुकी हैं, और ये देख लीजिए आपका कहाँ पर रखी हुई हैं, ये आपके बी ऑप्शन में रखा हुआ है। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एयरफोर्स और नेवी एग्जाम्स के लिए मापन और मात्रक टॉपिक से हो सकते हैं। इसके बाद आपका हम अगला टॉपिक आपको लेके आएंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इंतजार कीजिए, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।